नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार डंडे से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई पैराडाइज स्कूल के छात्र छात्राओं को कराया गया पलामू किला बेतला पार्क का शैक्षणिक भ्रमण। डंडई प्रखंड मुख्यालय के बाजार समिति स्थित पैराडाइज पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं को मंगलवार को बाल दिवस के अवसर पर बेतला पार्क और पलामू किला का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ छात्र छात्राओं ने बेतला पार्क व पलामू किला के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया। इसके साथ साथ वहां के सुंदर दृश्यों व खासियत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी वहां के वन विभाग के पदाधिकारियों से ली। बच्चों ने पार्क में मौजूद हाथी, लंगूर, बारहसिंह सहित भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को देखा और आनंदित हुए। विद्यालय के निदेशक सिकंदर प्रजापति ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों में मानसिक और पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उनका भौगोलिक ज्ञान भी बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सत्र में कम से कम एक बार शैक्षणिक भ्रमण करने से भौगोलिक व ऐतिहासिक पर्यावरण शिक्षा के लिए अनिवार्य है, ताकि उन्हें खुद का विश्वास और आत्मबल बढ़ सके। पूर्व प्राचार्य आर के विश्वकर्मा ने बताया कि स्कूल की तरफ से स्कूली बच्चों को प्रत्येक वर्ष कोई न कोई ऐतिहासिक स्थलों व पर्यटन स्थल तथा प्राकृतिक दृश्यों का भ्रमण कराया जाता है। इससे बच्चों को ऐतिहासिक व भौगोलिक ज्ञान बढ़ता है, वहीं बच्चों के मन में अध्ययन की भावना जागती है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक व पर्यटन स्थलों के भ्रमण बच्चों के लिए खुली किताब है, जहां उन्हें कई तरह का से अनुभव प्राप्त होता है। इस मौके पर प्राचार्य बिंदु कुमार रवि, वरिष्ठ शिक्षक उपेंद्र कुमार रवि, शिक्षिका आशा कुमारी, प्रियंका कुमारी, अर्चना कुमारी, राधिका कुमारी, रीना कुमारी, शिवानी कुमारी, छात्र फलक कुमारी, कृष्ण प्रजापति, चमेली कुमारी, अनुपा कुमारी, प्रीति कुमारी, लाजीना खातून, अंजलि कुमारी, काजल कुमारी सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। धन्यवाद।